फ्रेंड्स, एज पर माई प्रोमिस आई एम बैक टू यू विद अ न्यू रेसिपी ऑफ लेमन पिकल। इसके लिए आपको लगेंगे ताज़ा नींबू, थोड़े से पके हुए, इससे येलो येलोइश लेंगे तो भी चलेगा। इसको आपको एक नींबू के 8 पार्ट ऐसे काटना है। मैंने यहाँ पे काट के रखी है, आप देख सकते हैं, ताकि आपका टाइम बच सके। इस तरह से आपको कर लेना है और इन पार्ट्स को आपको एक कांच की जार में भर के रखना है। मैंने ऑलरेडी भर के रखा है। इसमें आप स्वादानुसार नमक डाल सकते हैं, जितना ज़रूरत है। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और इस जार को ढक्कन लगा के आप इसको कम से कम 8 दिनों के लिए धूप में भी रख सकते हैं या फिर घर में भी रख सकते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि इसको हिलाते रहना है और इसका जो ऊपर का छिलका है वो थोड़ा नरम होने तक आपको वेट करना है। अगर 8-10 दिन सफिशिएंट नहीं तो आप इसको 15 दिन भी रख सकते हैं, अगर धूप में नहीं रखा तो। धूप में तो ये आसानी से बन जाता है। 8-10 दिन के बाद अगर आप इसको निकालेंगे, देखेंगे तो इसका छिलका बिल्कुल भी नरम हो चुका होगा, थोड़ा सा कलर भी चेंज होता है। उसके बाद आपको एक कढ़ाई में इसको डालना है। इसके साथ आपको थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक ऑलरेडी हमने डाल लिया था, फिर भी अगर लगता है आपको स्वादानुसार तो आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ आप इसमें डाल सकते हैं गुड़ अपने स्वादानुसार। गुड़ थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से ग्रेवी बनेगी इसकी। और इस अचार की खासियत ये है कि ये आपको फास्ट में भी चलता है। जब उपवास आप करते हैं उस उपवास में भी आपको काम आता है। अगर आप सफ़ेद नमक नहीं उपवास को खाते तो सिर्फ काले नमक में इसको बना सकते हैं। गुड़ थोड़ा ज़्यादा डालिएगा ताकि ग्रेवी और वो जो हमने लेमन जूस बना के रखा था वो भी हम ऐड करेंगे इसमें। लेमन जूस दूसरा कुछ नहीं, हम नींबू निचोड़ के जो भी रस निकालते हैं वो सिर्फ बीज आप चाहे तो अलग कर सकते हैं, चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं। जो नींबू का रस निकालते हैं आप उसको छान लीजिए ताकि उसके बीज अलग से हो सकते अलग निकल जाए। मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, पिछली वीडियो में डिटेल दिखाया था नींबू का रस वगैरह कैसे करना है, तो आप उस वीडियो को भी, उस अचार को भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं नींबू का रस इसमें ऐड करने जा रही हूँ। निकाला हुआ मैंने इसमें नींबू का रस ऐड कर दिया है। अब इसको मैं पकाऊंगी, इसको 2 उबाल आने तक के पकाना है। थोड़ी देर पकने के लिए रख देते हैं इसको। आपको अचार को सिर्फ 2 उबाल आने तक पकाना है। उसके बाद एक कटोरी में निकाल लेना है। ज़्यादा जूसी चाहते हैं आप तो नींबू का रस थोड़ा ज़्यादा निकालें ताकि वो जूसी हो सके। बाद ये ऐसा दिखेगा, मैंने ऑलरेडी करके रखा था तो आपको दिखा रही हूँ ताकि आपका समय बच सके। बिल्कुल ऐसे दिखेगा आपका अचार पकने के बाद। और ये यकीन मानिए 3-4 साल तक आसानी से चल जाता है अगर एक बार बनाएंगे आप तो। और बिल्कुल हेल्दी होता है, उपवास के लिए भी चलता है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।